शांति। ब्रह्मा कुमारीज के ज्ञान को संक्षिप्त परिचय में हमने लिया था। अब हम ब्रह्मा कुमारीज ज्ञान प्रदर्शनी जो बनी हुई है उसके एक एक चित्र को बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, जिसे हम कह सकते हैं विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। आज ब्रह्मा कुमारीज ज्ञान प्रदर्शनी का दूसरा चित्र है जिसमें परमात्मा की पहचान, सभी कहते हैं परमात्मा एक है, सभी धर्मों ने परमात्मा के बारे में कुछ विशेषताएं बताई। अब हम उन विशेषताओं को देखेंगे कि वो किस में हो सकती है। हम उन विशेषताओं को गिनेंगे और उन विशेषताओं को पहचानने की कोशिश करेंगे कि वो किस में हो सकती है। इस चैप्टर को शुरू करने पर हमें पहली बात अपनी बुद्धि में बिठा लेनी है कि परम आत्मा, हम बात कर रहे हैं परम आत्मा की। वो एक ऐसी आत्मा जो परम है, हम आत्मा हैं और हम आत्माओं का पिता परमात्मा है। शरीर के पिता अलग अलग है, परमात्मा सारे संसार की आत्माओं का पिता है। इस बात को हम ध्यान में रखकर परमात्मा के एक एक गुण को जानने का प्रयास करेंगे। परम पिता परम आत्मा, जो परम पिता है, सर्वोच्च पिता है शिव, जो सारे संसार की आत्माओं का पिता है और वो एक परम सर्वोच्च आत्मा है। उनकी क्या विशेषताएं हैं उनको हम यहां से शुरू कर रहे हैं। सबसे ऊपर से पहली पहली विशेषता हम यहां से पढ़ेंगे, काल के पंजे से छुड़ाने वाले। जो परमात्मा है वो सारे संसार की आत्माओं को काल के पंजे से छुड़ाने वाले, ये कोई देहधारी काल के पंजे से छुड़ाने वाला नहीं। जितने भी देहधारी आए वो स्वयं काल के पंजे में बंधे हुए थे, बंधे हुए। दूसरे पॉइंट, मुक्ति व जीवन मुक्ति के दाता है परमात्मा, जो है मुक्ति व जीवन मुक्ति का दाता है। जो देहधारी है वो कभी स्वयं ही मुक्त नहीं हो सका, वे किसी और को मुक्ति व जीवन मुक्ति कैसे देगा, ध्यान देना है। परमात्मा सबको मुक्ति भी देते हैं, सबको जीवन मुक्ति भी देते हैं। परमात्मा सृष्टि के आदि मध्य अंत के ज्ञाता है। वो होगा परमात्मा जो सृष्टि के आदि मध्य और अंत का ज्ञान दे। आज तक किसी देहधारी ने, परमात्मा ने, किसी देहधारी ने सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान
नहीं दिया। अब परमात्मा स्वयं आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहे हैं। शंकर द्वारा आसुरी सृष्टि का विनाश कराते करते नहीं कराते दिव्य बुद्धि के दाता है। सभी उस परमपिता परमात्मा से दिव्य बुद्धि की डिमांड करते तो जरूर वो दिव्य बुद्धि देता होगा ना। सुख दुख से न्यारे हैं, सुख और दुख से न्यारे, ना तो उनके ऊपर सुख का कोई प्रभाव पड़ता है और ना ही उनके ऊपर दुख का प्रभाव पड़ता है। जितने भी देहधारी हैं उन्होंने सुख को भी अनुभव किया और दुख को भी अनुभव किया। परमात्मा इस प्रकार के सुख और दुख के प्रभाव से बिल्कुल न्यारा है। आनंद के सागर है, शांति दाता है, निराकार है। निराकार का अर्थ याद रखेंगे, निराकार का अर्थ ये नहीं कि उसका आकार नहीं है, निराकार का अर्थ है उसका आकार है परंतु हम बनाने में असमर्थ है। हम उस परमात्मा का आकार बना नहीं सकते क्योंकि परमात्मा है ज्योति बिंदु, और बिंदु की परिभाषा होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ना हो। परमात्मा एक ऐसा बिंदु है जिसको हम बना नहीं सकते क्योंकि हम कोई भी व्यक्ति बिंदु को नहीं बना सकता। जो बिंदु की परिभाषा है एक ऐसा चिन्ह जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ना हो। परमात्मा एक ऐसा बिंदु है जिसको हम बनाना चाहे तो बना नहीं सकते क्योंकि कुछ भी बनाएंगे, पेंसिल से बिंदु लगाएंगे तो हमारे माइक्रोमीटर उसको नाप कर बता देंगे, सुई की चोंच से भी बिंदु लगाएंगे तो भी वो नाप कर बता देंगे। परंतु समझाने के लिए हमने ये बिंदु स्टार बनाया है, परंतु परमात्मा एक ऐसी आकृति है जिसे हम बनाना चाहें तो बना नहीं सकते। उसका आकार है हम बना नहीं सकते, नोट करना है। इसलिए उसे निराकार कहा है। निराकार का अर्थ ये नहीं लगा लेना कि उसका आकार ही नहीं है। आकार नहीं है तो फिर है ही नहीं, है तो उसका रूप जरूर है। यह हमारी असमर्थता है कि हम उस रूप को बना नहीं सकते। पतित पावन है, सारे संसार को पतित से पावन करने वाला है, सबको सदगति देने वाला है, ज्ञान का सागर है। सारे संसार के धर्म परमात्मा से ज्ञान की उम्मीद रखते हैं तो परमात्मा कहते मैं ज्ञान का सागर हूं। सबके सुख का दाता है, सबको, ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचयिता त्रिमूर्ति है। ब्रह्मा विष्णु शंकर इन तीनों के भी पिता हैं, इन तीनों के भी रचयिता हैं। यह हमने संक्षिप्त में देखा था। पत्थर बुद्धि वालों को पारस बनाते हैं, पत्थर बुद्धि जिनको समझ में नहीं आता क्या करें, पारस बुद्धि जो हर काम एक्यूरेट करते। नरसे श्री नारायण बनाने वाले हैं, नरसे नारायण बनता है परंतु बनाने वाला परम पिता परम आत्मा है, उसे शिव इसलिए कहते कल्याणकारी है, सत चित आनंद स्वरूप है, परम पिता है वो, परम शिक्षक है, सद गुरु है, जो और कोई नहीं हो सकता।
जीवन नैया को पार ले जाने वाला है, सबकी जीवन नैया को पार ले जाने वाला है। विष्णु द्वारा दैवी सृष्टि की पालना कराते हैं, दुख हरता सुख करता है, जन्म मरण से न्यारे हैं, शांति के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, अकाल मूरत हैं, गुणों के भंडार हैं, दिव्य दृष्टि के दाता हैं, ब्रह्म लोक के वासी हैं, बिंदु रूप ज्योति स्वरूप हैं। ब्रह्मा द्वारा सतयुगी सृष्टि की स्थापना कराते हैं, मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के बीज रूप है, कर्मों की गति को जानने वाले। अब ये सारे गुण, ये सारी विशेषताएं किसी भी देहधारी में नहीं हो सकती। इन एक एक विशेषता को हम विस्तार से फिर कभी करेंगे। अभी इतना समझना है कि परमात्मा ज्योति बिंदु है, जिसको हम बना नहीं सकते, वो गुणों में सिंधु है। इतने सारे गुण किसी भी देहधारी में नहीं हो सकते। तो हम उस परम पिता परम आत्मा को जान रहे हैं, ये पहचान भी स्वयं परमपिता परमात्मा ने आकर दी है। कोई देहधारी परमात्मा की पहचान नहीं दे सकता। मैं भी उतना ही आपको बता सकता हूँ जितना मुझे समझ में आया है। संपूर्ण परमात्मा का परिचय तो आपको स्वयं परम आत्मा से ही लेना होगा, क्योंकि मैं भी परमात्मा से ज्ञान ले रहा हूं। जितना मुझे समझ में आ रहा है मैं वो आपको दे रहा हूं, परंतु संपूर्ण ज्ञान लेने के लिए आपको भी स्वयं परम पिता परमात्मा से पढ़ना होगा। आप सबको हार्दिक निमंत्रण है, ईश्वरीय निमंत्रण है। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमने उन सभी प्रश्नों के लिंक्स दिए हुए हैं जो आपके मन में उठ सकते हैं। आप वहां से अपने हर प्रश्न का उत्तर ले सकते हैं। फिर भी संपूर्ण परिचय संपूर्ण ज्ञान तो नहीं दे सकते। जो आपके मन में प्रश्न उठे वहां वो ना हो तो आप वो प्रश्न अवश्य 9213106986 पर व्हाट्सएप करें। जितना मुझे ईश्वरीय ज्ञान समझ में आ रहा है मैं अवश्य आपको स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा, और आप अच्छी तरह समझने के लिए अपने नज़दीक के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क कर सकते हैं। ओम।